दोस्तों मैं अमित यादव आपके लिए यूपी के महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आया हूं। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने रविवार को मुख्य आरोपी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बलिया से दो और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, यह जानकारी पुलिस ने दी है। एसटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ यश ने रविवार को बताया, बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि धीरेंद्र प्रताप सिंह से घटना में प्रयुक्त असलहों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर सवाल उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शशि थरूर ने कहा, एक दूसरे से डर का माहौल बनाया जाता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वो व्हाट्सएप वीडियो देखा है जिनमें चीनी लोग या उनसे जैसे दिखने वाले लोगों के साथ पश्चिमी देशों में जगह जगह जैसे सुपरमार्केट रेस्टोरेंट में भेदभाव होता है सिर्फ इसलिए कि वो चीनी लोगों जैसे दिखते हैं। शशि थरूर ने आगे कहा, यह भेदभाव कोरोना महामारी के दौरान भी देखा गया है। जब तबलीगी जमात का मुद्दा उठा, पहले लॉकडाउन से ठीक पहले तबलीगी जमात के लोग जमा हुए थे और ये लोग जब अपने राज्य में लौटे तो कोरोना का संक्रमण बढ़ा। इस घटना को भारत के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। रविवार को भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक और मुकाम हासिल कर लिया। नौसेना के लिए स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर भारत ने दुश्मन देशों को बता दिया कि अगर किसी ने भारतीय सीमा की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसके अंजाम बुरे होंगे। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में अपने लक्ष्य पर सही टाइमिंग के साथ सटीक निशाना साधा। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण चीन को सख्त संदेश देने वाला है। बता दें कि भारत अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस मिसाइल को पहले ही तैनात कर चुका है। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता पहले 290 किलोमीटर तक की थी, अब इसे बढ़ाकर 400 किलोमीटर ज्यादा तक कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मोस 450 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निशाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। भारत सीमा की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी तनाव जारी है, सीमा विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दोनों ही देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने हैं और जिस कारण सीमा पर हथियार और जवानों की तैनाती बढ़ गई है। नई दिल्ली और बीजिंग के बीच 7 दौरे की बातचीत होने के बाद भी सीमा पर स्थिति सुलझी नहीं है। अब इस सिलसिले में भारत और चीन सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए टेबल पर आने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में जारी सीमा विवाद सुलझाने को लेकर अगले हफ्ता भारत चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की वार्ता का 8वां दौर आयोजित होने की उम्मीद है। सर्दियों और बर्फबारी के मद्देनजर दोनों ही सेनाओं ने 1597 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों की तैनाती में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना का पीक गुजर चुका है, सरकार ने रविवार को इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। सरकार की ओर से नियुक्त वैज्ञानिकों की एक कमेटी ने अनुमान लगाया कि भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण का पीक गुजर चुका है। हालांकि इसके साथ ही कमेटी ने कहा कि देश में महामारी की दूसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता और इस कारण फरवरी 2021 में भारत में कोरोना के संक्रमण केस के 1.6 करोड़ से अधिक होने की आशंका है। कमेटी का कहना है कि ऐसे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बचाव वाले जरूरी कदम ऐसे ही चालू रहने चाहिए। आपको बता दें 17 सितंबर को देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस 10,17,000 थे, इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है और ये अब 7,83,000 तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ चल रही जंग से जनता को सीधे जोड़ने की पहल की है। वह रविवार को शाम 5 बजे जनता के साथ सोशल मीडिया पर संवाद करेंगे। फेसबुक लाइव के दौरान आप उनसे सवाल पूछने के साथ प्रदूषण से निपटने को लेकर अपने सुझाव भी दे सकेंगे। इसके लिए एक हैशटैग भी जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फेसबुक पर शाम 5 बजे लाइव होंगे। फेसबुक पर आस्क प्रकाश जावड़ेकर हैशटैग के साथ कोई भी व्यक्ति अपने सवाल सुझाव केंद्रीय मंत्री तक भेज सकता है। जावड़ेकर ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा, मैं आप सभी लोगों से प्रदूषण के मुद्दे पर बातचीत करूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को साझा करूंगा। हम विश्वास करते हैं कि समस्याओं को स्वीकार करना ही इसके समाधान को शुरुआत है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया था। पहले तो प्रदूषण की गिनती ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में नहीं होती थी।
पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दलों में से एक पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी ने इमरान सरकार की विवादित पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2020 वाले अध्यादेश पर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि उसने शुक्रवार को इस अध्यादेश को संसद के सामने पेश नहीं किया। पीपीपी का कहना है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक हुई, परंतु इस अध्यादेश को संसद के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अध्यादेश को संसद के समक्ष नहीं पेश करने के पीछे जरूर कुछ गलत इरादा होगा। पीपी के संसदीय नेता सेरी रहमान ने कहा कि इस तरह प्रांतीय सरकारों के कार्यक्षेत्र पर और लोगों के अधिकारों पर कब्जे के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। हर रोज महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे यौन और क्रूर अपराधों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष महिला पुलिस इकाई बनाकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के हिस्सा के रूप में पिंक पेट्रोल नाम से नई महिला पुलिस बल की गश्ती टीम बनाई है। इसकी शुरुआत नवरात्रि के मौके पर की गई है। कठोर प्रशिक्षण से गुजरने के बाद लगभग 250 महिला पुलिस कर्मियों को पिंक पेट्रोल में तैनात किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ के अलावा राज्य के अन्य जिला कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद में भी पिंक पेट्रोल योजना शुरू करने का विचार किया है। इस पहल के पहले चरण में राज्य में लगभग 100 स्कूटी और 10 एसयूवी को सेवा में रखा गया है। पिंक पेट्रोल को महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अपराध के मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। पिंक पेट्रोल उन स्थानों पर काम करेगी जिनकी पहचान लखनऊ पुलिस ने हॉटस्पॉट के रूप में की है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार शुरुआत में इन्हें गर्ल्स कॉलेज समेत उन जगहों पर तैनात किया जाएगा जहाँ महिलाओं की मौजूदगी बड़ी संख्या में होती है। इसके अलावा वे इलाके जहाँ छेड़छाड़ की वारदातें ज्यादा होती है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत तैनात किए गए आरोग्य मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इन आरोग्य मित्रों का मानदेय बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। अभी तक इन आरोग्य मित्रों को 5,000 रुपये महीने का मानदेय दिया जाता था, लेकिन अब दोगुना यानी 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। मानदेय डबल करने से करीब 7,500 आरोग्य मित्रों को लाभ मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के उपचार के बाद चिकित्सालय द्वारा प्राप्त क्लेम धनराशि से इनके मानदेय का भुगतान किया जाता है, यानी मानदेय देने के लिए अलग से कोई बजट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या मत है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।